जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सबके पास में अच्छा अच्छा फोन है, बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे कैमरे का फोन है, तो उससे आपके ये धंधे पे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है। पहले हम लोग का अच्छा धंधा चल रहा था, बिजनेस चल रहा था। अभी ये जो फोन आ गया, बड़े बड़े फोन, उसमें सब कुछ दिया गया, सब फोन अच्छा, हाँ। उसे फोन से फोटोग्राफी कर लेता है। कोई आदमी ऐसा होता है तो कोई बना लेता है अभी। और अभी मेरे जो सैफ भाई है भाई, वो यहाँ पर अभी ताज होटल में चल के चाय पियेंगे और बजट आज अच्छा खासा लगने वाला है। ताज होटल की चाय बड़ा साहब आएगा, भागना पड़ता है, भागना पड़ता। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल करके अपना खर्चा पानी निकाल लेते हो, परिवार किसी से रह रहा है? वही नहीं, सभी धंधे वाले, सभी जितने भी धंधे वाले यहाँ है सबको परेशानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे एक ऐसी जिंदगी भाई, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। जो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, वो चीज़ आप लोग देख लेंगे भाई तो मुंबई आने का सपना आप लोग का पूरा हो सकता है। तो आज मैं चलूँगा गेटवे ऑफ इंडिया और फाइनली मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा इस तरीके का पूरा सीन है। और ये मेन मुंबई में मैं फिलहाल हूँ, यहीं पर बाजू में CST रेलवे स्टेशन है जहाँ से मैं आया हूँ। और यहाँ से बस से आप लोग आएंगे तो 6 रुपये में आप लोगों को यहाँ पर बस लाके छोड़ देगी। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और चलता हूँ फटाफट गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। आप लोग को दिखाऊंगा भाई एक ऐसी लाइफ जो देखने के बाद में भाई आप लोगों का सपना सच में पूरा हो जाएगा मुंबई आने का। तो चलो चलते हैं फटाफट, वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ वहाँ पर देखने मिलता है। भाई से बातचीत भी करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया पे किस तरीके की एक्टिविटी होती है और वहाँ पर आप लोग आ जाएंगे तो कहाँ कहाँ वहाँ से जा सकते हैं, वो सब चीज़ें भी देखने मिलेगा आप लोग को। और गेटवे ऑफ इंडिया का प्यारा सा नज़ारा भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ पर चल के। तो चलो चलते हैं फटाफट। भाई साहब, इधर पर मैं घूम रहा था तो मुझे यहाँ पर कुछ खास बातें आप लोगों को बताने को लगा, जो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो भाई बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को होटल वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे मिलेंगे जो कि महंगे महंगे हैं। भाई मैं रेफ़र नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आओ खाओ पियो, लेकिन अगर आप लोग टूरिस्ट हैं यहाँ पर आना चाहते हैं घूमने के सिलसिले में, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं जिसमें आप लोग आके रह सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे भाई तो डेडिकेटेड होटल के ऊपर मैं एक ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाऊँगा। बाकी यहाँ पर जो भी देखेंगे भाई, बिल्डिंग ये सब जितनी भी है ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है। बाकी यहाँ पर जस्ट अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, यहाँ पर देखो आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया सामने है। ये देखो एकदम अनोखा चीज़ मुझे दिखा, मैं सोचता हूँ आप लोग को दिखाऊँ। यहाँ पर देखो इस तरीके की भाई गाड़ी जा रही है यहाँ पर, जो कि भाई एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग। और मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई ये कोई रेस्टोरेंट का या फिर कहीं और का ही इस तरीके की गाड़ी होगी, क्योंकि ये भाई नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पर नहीं चलती है, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम देखा हूँ। और यहाँ पर मैं सैफ भाई से पूछता हूँ इसके बारे में। सैफ भाई, मुझे लग रहा है ये कोई रेस्टोरेंट का या कहीं VIP गाड़ी। मुझे भी लग रहा है रेस्टोरेंट का। वो चाचा को पता होगा, पूछ चाचा से। वो क्या चाचा, ये जो गाड़ी जा रही है वो ताज वाले का, वो घोड़ा टांगा चलता था ना पहले। अच्छा अच्छा, टांगा के जगह पे रखा है घोड़ा वाले का शीशा। अच्छा अच्छा, ये जो ये ताज होटल में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए ये गाड़ी रहती है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ देखो साहब भाई, वो ताज होटल में जो गेस्ट आते हैं ना उनके लिए है ये। वो वही तो मैं सोचा, इसके पहले मुंबई में कहीं देखा नहीं हूँ। बाकी यार चाचा जो आइसक्रीम दी है ना, काफी शानदार है यार, काफी टाइम से मैं इसको जगह हूँ खत्म कर दे। हाँ 15-20 मिनट तो होगा। हाँ 15-20 मिनट, अरे इतना बड़ा आइसक्रीम रहेगा क्या, तो खत्म करने में टाइम तो लगेगा ना भाई। तो काफ़ी टाइम से जद्दोजहद लोग इसको ख़त्म करूं और आगे भी कुछ खाएंगे पिएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों ठीक था, ये जो काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर चाचा, देखो आइसक्रीम बेचते हैं मेहनत से। और कौन कौन सी आइसक्रीम रहती है चाचा अपने पास में? बस यही और फुटपाथ का धंधा है, गाड़ी आएगा तो भागना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप लोग आएंगे तो भागना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चार्ज भी खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये भाग दौड़ का धंधा। अच्छा, भाग दौड़ नहीं है। यहीं पर हमेशा लगाते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? बच्चा अग्रवाल। अच्छा अच्छा, और कहाँ रहते हो? ताज के पीछे। ताज होटल के पीछे रहते हो। और रेंट वेंट यहाँ पे कितना देते हो, भाड़ा वाड़ा? भाड़ा संडे को उसका कभी 10 कभी 20 कभी 100 कभी 200। अच्छा अच्छा अच्छा, भाड़े से भी चार्ज नहीं इसका? नहीं, रूम का जिसमें रहते हो नहीं है भाड़ा? नहीं। अच्छा, किसी के थ्रू काम करते हो कि अपना खुद का है ये? अपना खुद का है। अच्छा, खुद का है, तो मतलब खर्चा पानी निकल जाता है आराम से? ठीक है। यहाँ धंधा पे कोई नया आदमी खड़ा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, पुराना हम लोग हैं, हम लोग लड़ मिल के। अच्छा अच्छा, मतलब इस बड़ा साहब आएगा भागना पड़ता है, भागना पड़ता। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल करके अपना खर्चा पानी निकाल लेते हो, परिवार किसी से रह रहा है? वही नहीं,
सभी धंधे वाले, सभी जितने भी धंधे वाले यहाँ सबको परेशानी है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर भाई चाचा से बात करके एक चीज़ ये समझ में आया कि मुंबई में रहना है तो भाई मुश्किल आप लोगों को झेलना पड़ेगा, हर जगह पे भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ रहती है। बाकी चलते हैं अभी फटाफट वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास में, जो कि सामने ही दिख रहा है, तो यहाँ से चलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पर क्या कुछ देखने मिलेगा। यहाँ से अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं भाई, और यहाँ से एंट्री करने के बाद में अभी उधर निकलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं क्या कुछ देखने मिलेगा। तो भाई लोग अभी वहाँ से एंट्री करने के बाद में फाइनली मैं अंदर पहुँच चुका हूँ, और अभी सामने से जो व्यू मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सबसे पहले ये व्यू आप लोग इन्जॉय करो, उसके बाद में मैं जो लाइव दिखाने के लिए यहाँ पर स्पेशल आया हूँ वो लाइव मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये वाला व्यू आप लोग इन्जॉय करो। और भाई साहब कमेंट करके बताओ कि आप लोग को कैसा लग रहा है। और एक बाजू ये है और दूसरे साइड में ये आप लोग को देखने मिलेगा ताज होटल, और ये वाला पुराना ताज होटल है और ये वाला न्यू ताज होटल है, जो कि भाई मैं बहुत सालों के बाद में यहाँ पर आया हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना साहब भाई यहाँ पे, तो ये वाला जो नया ताज होटल बना है ना, ये वाला नहीं था, जल्दी ही बनाया हुआ था, जब वो नहीं हुआ था, अरे अटैक नहीं हुआ था ताज होटल, उसके बाद ये बना। अच्छा, उसके बाद ये बना है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे 7-8 साल पहले मैं आया था एक बार, उसके बाद में आया हूँ तो ये देखा हूँ। पता नहीं वो टाइम पे काम वाम चालू रहा होगा, ध्यान नहीं दिया। कब हुआ था यार वो कुछ 26/11 26/11 के बाद ये बना है, और बाकी खूबसूरत ज्यादा मुझे यही लग रहा है। और चीज पुरानी है उसकी का बात ही कुछ है, उसका बात ही कुछ अलग है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पर मैं आया हूँ इतने दिनों के बाद में। बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ फोटोग्राफरों का, जो यहाँ पर फोटो निकालते हैं, कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो भाई इंतज़ार करो थोड़ा सा, और पहले देखते हैं किसी से बातचीत करते हैं, और वो बातचीत करके एग्री होता है तो उसकी पूरी लाइव दिखाएंगे, और ये देख के आप लोग मुंबई आ सकते हो अगर आप लोग को भाई इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में या जो कुछ भी। तो ये एंड तक देखना, यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे और बोट राइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन है, और बहुत सारे यहाँ पर बोट है जो कि भाई आधे घंटे के लिए ट्रिप रहते हैं। और क्या इन लोग का चार्ज है, मैं तो ट्राई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पर बोट राइडिंग आप लोग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो इस तरीके से आ रहे हैं और जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ भाई गेटवे ऑफ इंडिया पे आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। और देखो कितने सारे यहाँ पर बोट है, और ये सब राइडिंग के लिए रहते हैं भाई। बोट राइडिंग अगर आप लोगों को करना है तो यहाँ पर आ जाओ, और आधे घंटे की ट्रिप रहती है, उसके बाद में यहाँ से एलिफेंटा भी जा सकते हैं, उसके बाद में अलीबाग भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आओ और आप लोग देखो इस तरीके से पूरा नज़ारा रहता है। और भाई सब क्राउड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्राउड की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है। पर आप लोगों ने बाहर से तो गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग को छोटा लगता होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो भाई साहब कितना बड़ा है, अंदर से देखो टेक्सचर कितना खतरनाक मतलब बना हुआ है। और यहाँ पर जब आप लोग आएंगे भाई तो ये सब चीज़ आप लोग को देखने मिलेगा इधर ही। टेक्सचर अभी के टाइम पे तो ऐसा कहीं बनेगा, और इतना साल पुराना होने के बावजूद भी अभी तक ये खड़ा है। बाकी काफ़ी शानदार है, बहुत पुराना नहीं है ये, अभी हमें जल्दी ही तो गए हैं, 60-70 साल 80-90 साल हुआ मेरे हिसाब से, अभी मैं एग्जैक्टली इस मुझे सन नहीं पता है, लेकिन 70-80 साल हुआ होगा। बाकी जो मुगलों ने बनवाया था वो अभी क्या नाम है, 700-800 साल से ऐसे ही अच्छा खड़ा है, लेकिन यह कि अच्छा बनवाया, अच्छा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने खराब बनवाया, उन्होंने भी अच्छा ही बनवाया। जैसे कि मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मुझे यहाँ पर एक फोटोग्राफर दिखे, जो कि देखो कितना मस्त मस्त यहाँ पर फोटो निकाले हुए ये, और ऐसा सब फोटो आप निकाल के देते हो जी? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग फोटो देख लो एक बार, मस्त मस्त है, और ऐसा सब फोटो आप लोग को निकलवाना है तो क्या नाम है आपका? हेमंतदास। हेमंतदास, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सबके पास में अच्छा अच्छा फ़ोन है, बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे कैमरे का फ़ोन है, तो उससे आपके ये धंधे पे कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ फ़र्क पड़ता है, पहले हम लोग का अच्छा धंधा चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, अभी ये जो फ़ोन आ गया बड़े बड़े फ़ोन, उसमें सब कुछ दिया गया, सब फोन उससे फ़ोन से फोटोग्राफी कर लेता है। अच्छा अच्छा, कोई आदमी ऐसा होता है तो कोई कोई बना लेता है भी, और कोई फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन में भी खींच के चल जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग आते हैं अपने फ़ोन में खींच के चल जाते हैं। अच्छा, आपके पास में इतना सारा चश्मा है तो इसका क्या राज है चश्मे? वो क्या है ना, अभी लड़के लोग ऐसा होता है ना कि हमको अंकल चश्मा दो तो फोटो बनाएंगे, तो हम लोग का रखना पड़ता है 2-4 का लिए, किसी को शौक वाला दे देते हैं तो हम लोग का फोटो खिंचा कर को फिर वापस दे देते हैं चश्मा, इसके लिए रखते हैं इसे। ऐसे इसका कुछ चार्ज रहता है अलग से? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, उसी में फोटो तो खींचता है। और इसका बताएं नहीं चार्ज कितना लेते हो? 50 रुपया सर। अच्छा 50 रुपया, तो यहाँ पर आप लोगों को 50 रुपये में इस तरीके का प्रिंट निकल जाएगा, और दिन भर आप इधर ही रहते हो मतलब? और सॉफ्ट कॉपी 30 रुपये। अच्छा अच्छा, देखो सॉफ्ट कॉपी मतलब ये क्या? ये ऐसे ही सीन खींच कर को आपको मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, फोन में भेज देंगे? फोन में भेज देते हैं।
200 फोटो निकाल लेते हैं चाचा? नहीं, 200 कौन निकालेगा, 120-130 निकल जाता है। नहीं नहीं, पैसा होता है 165-600 हो जाएगा। तब कौन खरीदेगा 165? यहाँ तो दो चार फोटो तो बना नहीं पाता। नहीं यार, अभी मैंने देखा इसकी हिस्ट्री में 130 फोटो निकाला। नहीं, वो फोन में दिया होगा, ना फोन में दिया होगा, पहले का भी बैकअप हो सकता है। जैसे आप अगर पूरे दिन अगर मेहनत जैसे आप करते हो, 400-500 रुपये मिल जाता है, 400-500 रुपये मिल जाता है। और किसी को देना होना पड़ता है पैसा वैसा? नहीं नहीं नहीं, जो भी है अपना, ये सब अपना ही कैमरा वैमरा सब अपना। जी हाँ, तो ठीक है। बाकी क्या नाम है आपका? हेमंतदास। हेमंतदास, तो यहाँ पर हेमंतदास भाई से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इनसे बातचीत करके अच्छा लगा। भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग ये जो खड़े हैं ना भाई, ये ताज होटल के गेस्ट हैं, और यहाँ पर ताज होटल के गेस्ट भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे भाई, तो फोटोग्राफर से ज़रूर एक बार मिलना, फ़ोटो वोटो ज़रूर खिंचवा लेना, क्योंकि यहाँ पर भाई वो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं। और आप लोग के पास में कैसा है ना भाई, आईफोन है, ये सब है, तो उससे आप लोग क्या करते हैं ना, फ़ोटो लेके यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो थोड़ा सा भाई इन लोगों को तकलीफ़ होती है। बाकी आप लोग इनसे आना यहाँ पर, फ़ोटो वोटो ज़रूर खिंचवाना, 50-30 रुपया तो कुछ महंगा है नहीं। और इसमें कितना, 15 फोटो ये जो लिखा हुआ, पहले का रेट था वो 85 रुपये लिखे हैं। अच्छा 50 लिखे हो, अच्छा पहले का था वो। तो यहाँ पर जरूर आके एक बार फोटो वोटो क्लिक करवा लेना। बाकी सैफ भाई, यहाँ पर पहले कबूतर खाना था ना? हाँ यार, अभी भी है कबूतर खाना ही है, लेकिन कबूतर अभी शाम हो गया, मुझे लग रहा अपने घर को मूव हो गए हैं। अच्छा अच्छा, अपने घर के अंदर जाके बैठेंगे परिवार के साथ, कुछ दावत वगैरह करेंगे, अभी कोई दिख नहीं रहा इधर। तो यहाँ पर देखो कबूतर खाना है ये पूरा, और यहाँ पर देखो बहुत सारा फिल्म में भी दिखाया गया है। यहाँ नहीं दिखाया गया तो बहुत जगह कबूतर खाना, दादर में भी तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ का ज्यादा दिखाया गया हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं यार इसके बारे में जरा, क्योंकि ये ताज होटल के सामने मैं देखा हूँ, बहुत सारे मूवी में देखा हूँ। तो यहाँ पर भाई मूवी की शूटिंग वूटिंग भी बहुत सारी होती रहती है। और यहाँ पर देखो ये वाला व्यू, और भाई ताज होटल के सामने खड़े रह के जो फीलिंग आती है सैफ भाई, उसके बारे में क्या बोलोगे? चाय पीते, चलो सैफ भाई को ताज होटल के चाय, ताज होटल की चाय पिलाते, चलो आ जाओ। अभी मेरे जो सैफ भाई हैं भाई, वो यहाँ पर अभी ताज होटल में चल के चाय पियेंगे, और बजट आज अच्छा खासा लगने वाला है ताज होटल की चाय पियेंगे जरूर, पियेंगे जरूर, अंदर जाके हाँ पियेंगे जरूर, कैसे भी पिए लेकिन पियेंगे जरूर। चलो सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे चल के गेट पे चलते हैं, पहले सेटिंग वेटिंग करते हैं। चाय पीते नहीं भाई तो ये हमें ही पी जाएंगे, चलिए कम से कम कोई बात नहीं, अशफाक भाई के भरोसे हम चाय पीजेंगे, पैसा मगर अशफाक भाई से ही हम पी जाएंगे। ताज होटल में चाय मैं सैफ भाई को पिलाने वाला हूँ, मैं नहीं देने वाला हूँ, पैसा मैं दूंगा, मैं चाय नहीं पीता हूँ। अशफाक भाई कह रहे हैं हमको, ठीक है आप पैसा दो तो हम पीजेंगे भाई, क्या करना, ये पीते ही नहीं चाय तो पक्का पिलाऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं भाई यहाँ से, सबसे पहले बाहर निकलेंगे, यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, यहीं से एंट्री हुई थी और यहीं से बाहर जाने का रास्ता है, तो चलते हैं यहाँ से बाहर और सैफ भाई को पहले चाय पिलाते हैं ताज होटल की, उसके बाद ताज होटल की चाय भाई को पिलाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर ले लिया और ये भाई दे के जा रहे हैं अभी। तो ताज होटल की चाय कैसी लगी, ईमानदारी से बताओ भाई? ये मेरे साथ पूरा स्कैम कर दिया भाई, ताज होटल की चाय कह के दो दो चाय बाहर पिला दी है यार, देख रहे हो यार, ऐसा नहीं होता यार अशफाक भाई, यार कसम से आप कह रहे अंदर पिलाएंगे, साजा यार साजा ताज होटल की चाय 500 की आती, इधर 5 रुपए में काम से जाती है यार भाई। यार देखो कैसा लग रहा है लेकिन ये बताओ। नहीं भाई खैर तेज तो आ रहा है लेकिन बकचोदी तो हो गई यार पूरा। अभी मैंने इनको बोला था ताज होटल की चाय पिलाऊंगा, लेकिन ताज होटल में भाई यहाँ से कहीं रास्ता ही नहीं जाने का, तो कैसे जाएंगे? रास्ता है भाई आगे से, मैं एक चलता हूँ रास्ते ही रास्ते भाई। भाई अभी अपने से क्या गेटवे ऑफ इंडिया भाई वादा कर रहा, ताज होटल में एक चलते हैं, इधर ये देख रहे हो तफरी वाली चाय पी जाते, ताज होटल की चाय है। नहीं ठीक है सामने है ना, अंदर की बात हुई थी, सामने पी जा रहे हो, खैर ठीक है ठीक है भाई। टेस्ट कैसा है? नहीं चाय का टेस्ट अच्छा है यार, और एक्सपेंसिव बजट दिया लेकिन अच्छा चाय दिया है, वो छोटा इतना जो दिया ना काफ़ी बढ़िया चाय है, लेकिन ये है कि ऐसा इसका हम भाई आप अपने बीबी के साथ मत कर देना यार, कहो कुछ और साझा करा कुछ और, तो कह रहे थे अंदर पिलाएंगे बाहर ही पिलाएंगे। नहीं मैं सोच रहा था ना कि अपनी वाइफ को बिरयानी खिलाऊं ताज होटल इधर ही कहीं तफरी फरी वाले है, ऐसा मत कर देना साझा, इधर ही बैठा के काम गंदा कर दोगे यार। खैर ठीक है भाई, जो भी है भाई ने चाय पिला दिया यही बहुत बड़ी बात है, ये 5 रुपए की चाय पड़ी, नहीं 10 रुपए की, 10 रुपए की, और 10 और 20 रुपए वाली थी उनके पास, 10 रुपए की चाय पड़ी है, लेकिन ठीक है यार ताज होटल के सामने बैठ के पी रहे हैं उसका ही एक अलग फीलिंग है, ठीक है कभी अंदर जाएंगे उसका भी एक टाइम आएगा, ये कोई बात नहीं है। अरे पिलाओ भी साला, गिरा भी तो ऊपर भाई देख रहे हो कितना बड़ा स्कैम कर रहा है भाई, चाय भी पिला रहा है और ऊपर भी गिरा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा यार अशफाक भाई, यार पीने तो कम से कम बाहर की चाय सकून से यार, अब कहो तो पलट जाए अपने ऊपर। नहीं नहीं पी लो पी लो। तो ठीक है यहाँ पे सैफ भाई चाय पी रहे हैं, फटाफट चाय खत्म करते हैं और
हो गया, चाय का सिस्टम पूरा खत्म हो गया। ताज होटल की चाय हो गई। हाँ हो गई ताज होटल की चाय। बाकी देखते हैं और क्या कुछ देखने मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।